हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस इंडियन ज्योग्राफी पेपर टू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था इंडियन मॉनसून के बारे में। इंडियन मॉनसून में हम लोगों ने सबसे पहले आईटी सीजेड की शिफ्टिंग देखी थी, उसके बाद से कुछ और कंसेप्ट जैसे जेट स्ट्रीम के बारे में, रिट्रीवल ऑफ मॉनसून के बारे में और साथ में एल नीनो कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। इस कंसेप्ट में कुछ लोगों को कुछ डाउट हुए थे और डाउट के लिए एक सेपरेट डाउट सेशन डिस्कस किया गया था। इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे जो भी पार्ट कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी को जरा अप्लाई करते हैं और इस सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिकली सीजन्स के बारे में। इंडिया में कितने तरीके के सीजन्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या उनकी खास बात होती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंडिया में रेनफॉल का वेरिएशन कैसे है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इंडिया में वेरिएबिलिटी किस तरह से पाई जा रही होती है, नॉट अलॉट दैट काफी कुछ हम लोगों को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर आवर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दे आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एज वेल एज टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन। सीजन्स के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली इंडिया में एक होती है जो साउथ वेस्ट विंड के कारण से रेनफॉल स्टार्ट हो रही होती है, दैट इज द मॉनसूनल सीजन, और दूसरी होती है जिसको कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट विंड के आने के कारण से या फिर इसी को बोल सकते हैं कि ये मॉनसून रिट्रीट हो रहा है, मॉनसून वापस से जा रहा है और उसके कारण से भी रेनफॉल हो रही होती है। तो इस कारण से जो हमारी मॉनसून है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सीजन के हिसाब से। एक होती है जिसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं और दूसरे को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। इन दोनों डिवीजन के बाद हमारी जो आईएमडी है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो बेसिकली इंडिया के सीजन को चार टाइप से डिवाइड करती है, जिसमें विंटर सीजन, वेदर सीजन और फिर रेनी सीजन और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। ये बेसिकली चार टाइप हो जाते हैं। वन बाय वन करके अगर सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज को देखें तो हालांकि हम लोग लास्ट क्लास को ही रेफर कर रहे होंगे बट स्टिल अगर एक कंप्लीशन के रूप में देखें कि सब मॉनसून में क्या देखना है तो सबसे पहले आती है हमारी कोल्ड वेदर मॉनसून। इस कोल्ड वेदर की बातें हम लोग करेंगे नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च तक की बात कर सकते हैं हम लोग, कि हाँ मार्च फरवरी मार्च तक की बात कर लेंगे इस सेशन में। इस मतलब सीजन में होता क्या है, इस सीजन में जो हमारी अर्थ है, यहां पर अर्थ बना लेते हैं, ये हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ पे यहां पर मान लेते हैं कि इक्वेटर है 0 डिग्री, तो ये जो आईटी सीजेड होती है या फिर कह लीजिए जो प्रेशर बेल्ट होती है वो शिफ्ट हो जाती है थोड़ा थोड़ा साउथवर्ड। के पीछे रीजन क्या है कि जो हमारी सन होती है वो सन रेज अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधे आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से हमारी जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो अब एक इंक्लाइंड या कह सकते हैं एक टिल्टेड फॉर्मेट में इंसुलेशन ले रही होती है, जिसके कारण से इंसुलेशन काफी कम रिसीव होता है। इस कारण से जो भी हमारी ऊपर की प्रेशर बेल्ट है वो भी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो जो पोलर एरिया होता है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और जो एरिया 35-40 डिग्री लैटिट्यूड पे आ रहा होता था वो अब 20 डिग्री पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रेड विंड का भी जो बेल्ट होती है वो कम हो जाती है और इस तरीके से यहां पर ट्रेड विंड या फिर ट्रेड बेल्ट या फिर ईस्टर्लीज हो जा रही होती है। बाकी यहां पर वेस्टर्ली है ही, आपको पता ही है कि वेस्टर्ली यहां पर बह रही होती है। तो ये होती है जो प्रेशर बेल्ट सिस्टम के हिसाब से होता है। इस प्रेशर बेल्ट के साथ साथ होता क्या है, यहां पर टेम्परेट साइक्लोन जनरेट हो जाती है। कहां पर ये होती है, मॉनसूनल या फिर मेडिटेरेनियन एरिया में, मेडिटेरेनियन एरिया में डेवलप हो जाती है यूरोप के पास में। ये संपर्क में आती है किसके, जेट स्ट्रीम के संपर्क में आती है, कॉन्टैक्ट में आती है और इंडिया में एंटर कर जाती है। इंडिया में एंटर करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन जो प्रोवाइड करता है वो करता है राजस्थान का हाई प्रेशर बेल्ट। और ये हाई प्रेशर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डेजर्ट, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके एक साथ मिलकर के एक हाई प्रेशर जोन बना देते हैं। इसके साथ में जो जेट स्ट्रीम होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है बिकॉज ऑफ हिमालय एंड तिब्बतन एरिया, और इसकी साउथवर्ड जो बेल्ट होती है या कह लीजिए जो साउथ विंग होती है वो शिफ्ट होकर के आ जा रही होती है इंडिया के साइड में, और इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में ये इलाका रेनफॉल इलाका बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट क्या चीज है। तो कोल्ड वेदर सीजन इन ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया बिगिंस इन लेटर पार्ट ऑफ नवंबर इन नॉर्थ, और बाकी दिसंबर में तो पूरे कंट्री में फैल जाता है। द कोल्ड वेदर सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय आउटफ्लोइंग विंड्स, ये ड्राई होती है, स्टेबल होती है और क्लियर स्काई होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखने को हमें मिलेगा सब्सिडेंस ऑफ विंड। जब भी सब्सिडेंस ऑफ विंड हमें देखने को मिलता है सीधी सी बात है इलाका या एयर
क्लियर होता है, तो क्लियर स्काई होती है, इसके अलावा ड्राई होती है, स्टेबल एयर होती है, ये सब चीजें हो जाती हैं। हाई प्रेशर एरिया डेवलप होने के कारण से पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट होता है। और जो नॉर्थ वेस्टर्ली फ्लो है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली वाली जो बेल्ट है, ये बेल्ट प्रिवेल डाउन टू इंडस एंड गंगा वैली। क्यों? क्योंकि इलाका प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो गया है, और शिफ्ट करने के कारण ये पूरा का पूरा आ जाता है वेस्टर्ली विंड के जोन में। ठीक है, यही वेस्टर्ली विंड आगे ट्रेड विंड को पास ऑन कर रही होती है, जो ये टेम्परेट वाली जो भी साइक्लोन की जो भी मॉइस्चर आ रही होती है। तो ड्यूरिंग दिस सीजन सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज पोजिशन ओवर नॉर्दर्न इंडिया, एक पार्ट आ जाती है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया। तो मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली रीच डाउन टू द सर्फेस नॉर्थ अबाउट 25 लैटिट्यूड, तो 25 डिग्री नॉर्थ तक ये आ रही होती है, और उसके बाद में फिर अगेन वही नॉर्थ ईस्ट वाली जो विंड्स होती हैं या फिर ट्रेड विंड हो जाती है। तो दीज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड इज कॉल्ड विंटर मॉनसून इन पेनिनसुलर इंडिया। द जनरल डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आ जा रही होती है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री ओवर द बे ऑफ बंगाल ईस्टर्लीज आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड नीड सम प्रेसिपिटेशन ओवर साउथ ईस्ट कोस्टल रीजन। तो इसके बारे में अगर देखें तो एक बार मैप में आ जाते हैं हम लोग, और मैप में देख लेते हैं कि सीजन सीन क्या हो रही है। तो इस तरीके से ये इलाका हमारा वेस्टर्ली जोन में आया हुआ है, और इस वेस्टर्ली जोन के कारण से यहां पर जो भी जेट स्ट्रीम सबसाइड की हुई है, ये जेट स्ट्रीम बेसिकली इन विंड्स के, इन वेस्टर्ली विंड के संपर्क में आ जाती है, और यही वेस्टर्ली विंड अल्टीमेटली रेनफॉल कर रही होती है। कहां पर रेनफॉल कर रही होती है? वही इलाका आपका पंजाब का इलाका हो गया, या फिर आपका हरियाणा का इलाका हो गया, या फिर वेस्टर्न यूपी का इलाका हो गया। तो इस तरीके से ये इस इलाके में अच्छा खासा रेनफॉल करती है। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ऑब्वियसली ये इलाका जो होता है, अब रेनफॉल स्कैंटी हो गया है, मॉइस्चर इसके अंदर की खत्म हो गई है। तो जैसे ही आगे एंटर करता है, एंटर करने के बाद वापस ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के संपर्क में आएगा, तो संपर्क में आने के कारण और साथ में कोरियोलिस फोर्स के कारण अब ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा लेगा और अल्टीमेटली स्ट्राइक करेगा चेन्नई के पास में। तो इस तरीके से इस इलाके में अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें एक रेनफॉल के बारे में, किस तरीके की रेनफॉल हमें कहां पे देखने को मिलेगी, तो ये वो इलाका रहेगा जहां पर हमें अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी इस इलाके में। दीज एरियाज आर हाई रेनफॉल रीजन, और साथ में ये इलाका हाई रेनफॉल रीजन बन जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इस तरीके का जो मैप में दिखाया गया वो हाई रेनफॉल का इलाका है। इसके बाद से जो सिस्टम है वो धीरे धीरे हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाता है। तो यहां तक रेनफॉल थोड़ी सी कम आएगी, और इस तरीके से मैं बना देता हूं, रेनफॉल यहां पर रिलेटिवली लो है। तो यहां पर रेनफॉल जो है वो रिलेटिवली लो है, लो लेकिन रिलेटिव पोर्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद से इस इलाके में ऑब्वियसली इलाका जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही कम होगा। तो इसको मैं डॉट डॉट पोर्शन में दिखा दे रहा हूं कि यहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिल रही है विंटर सीजन में, लेकिन इस इलाके में अगेन रेनफॉल थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये वही वाला इलाका है इस तरीके का, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जो जोन है वो बेसिकली बहुत ही माइन्यूट सा, कुछ भी इनफैक्ट लगभग नहीं के बराबर रेनफॉल ये देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इलाका हो जाता है जहां पर रेनफॉल लगभग न के बराबर होती है, और यहां तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये इलाका पूरा का पूरा रेनफॉल यहां पर नहीं होता। तो ये हो गई जो विंटर के टाइम की रेनफॉल है। यहां पर आसाम वैली में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर हल्की हल्की रेनफॉल होती है, लेकिन बाकी इलाके में रेनफॉल नहीं होती है। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, या फिर अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, या जो माउंटेनियस इलाका सिक्किम का हो जाएगा, ये सारा का सारा देखिए माउंटेन जोन है, और माउंटेन जोन में हमेशा ओरोग्राफिक रेनफॉल होती ही रहती है। तो ये बेसिकली यहां सिस्टम बिल्कुल अलग चल रहा होता है। दीज आर नॉट मॉनसूनल, चाहे वो साउथ वेस्ट के कारण से हो या नॉर्थ ईस्ट के कारण हो, यहां पर सिस्टम बिल्कुल अलग चलता है, ओरोग्राफिक होती है, एंड दीज आर कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे यहां पर थोड़ी मोड़ी रेनफॉल हो ही जाती है। वापस से आते हैं अपने कोल्ड विंड पे, और कोल्ड सीजन में देखते हैं कि क्या है। तो हम लोगों ने यहां पर सिस्टम ये देख लिया है कि दीज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड इज कॉल्ड एज विंटर मॉनसून पेनिनसुलर इंडिया, जनरल डायरेक्शन ऑफ विंड ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है, हो सकती है ना। देखिए क्या ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से हम लोगों ने देखा ट्रेड विंड है। बिकॉज ऑफ द ट्रेजेक्टरी ओवर बे ऑफ बंगाल द ईस्टर्लीज आर फुल ऑफ मॉइस्चर, ये सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ड्यूरिंग विंटर सीजन देयर इज अ जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऑब्वियसली साउथ में टेम्परेचर ज्यादा होगा, नॉर्थ में टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वहीं पर इंसुलेशन लगभग नहीं के बराबर मिल रही है।
द आइसोथर्म, इसी वजह से जो भी टेम्परेचर का जो कर्व होता है वो पैरेलल टू द लैटिट्यूड मूव कर रहा होता है. जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म है वो मंथ ऑफ जनवरी के दौरान में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जो कि तापी इस्चरी से महानदी डेल्टा तक सीधे चल रही होती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आइसोथर्म है वो बेसिकली तापी लाइन से जो महानदी है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ये आइसोथर्म मूव करता है. और यहां पर आइसोथर्म का मतलब क्या है? आइसोथर्म का मतलब होता है इक्वल टेम्परेचर, और इस इक्वल टेम्परेचर का 18 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरीके से बना होता है. इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर थोड़ी सी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और यहां पर टेम्परेचर जो होता है रिलेटिवली हाई होते जाता है. जैसे यहां पर 25 डिग्री अगर है तो यहां पर 22 डिग्री हो रहा होगा, यहां पर 20 डिग्री हो रही होगी, यहां 19 डिग्री हो रही होगी, इस तरीके से होती है. और जैसे ही आप ऊपर आना शुरू कर देंगे वैसे ही टेम्परेचर और लो होना शुरू हो जाएगा. यहां पर जो है हो सकता है कि देयर इज अ हाई चांस कि 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखने को मिले. और जम्मू कश्मीर में तो आपको पता ही है कि इस दौरान में यहां पर टेम्परेचर निगेटिव में चला जाता है, निगेटिव में. ठीक है, आगे बढ़े अगर तो देखिए कोल्ड सीजन में ही अगेन इन द मंथ ऑफ जनवरी. अब हम लोग बात करने वाले हैं रेनफॉल को लेकर के. तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, जहां पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का इलाका आ जाता है, यहां पर लेस देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बना होता है. इसके कारण से यहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल भी हमें देखने को मिलता है. यहां पर भी कुछ इलाके हैं जो रात में लगभग फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे भी चले जाते हैं, मतलब कंडीशन यहां पर बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल हो जाती है, काफी ज्यादा यहां पर ठंड सीजन हो जा रही होती है. ऑफन देयर इज अ डिक्रीज इन मोर देन 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द मीन टेम्परेचर. जैसे मान लीजिए मीन टेम्परेचर अगर 22 डिग्री है तो 6 डिग्री का हमें अंतर देखने को मिलता है, और इस तरीके से 15-16 डिग्री तक ये एवरेज टेम्परेचर बना होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डाइयूर्नल टेम्परेचर, डाइयूर्नल टेम्परेचर. ठीक है, ये सब तो आपको टेक्निकल टर्म पता ही होंगे ज्योग्राफी के. दिस रिजल्ट इन कोल्ड वेव इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. और जो साउथ इंडिया में अगर बात करें तो आइसोथर्म जो होते हैं वो बेंड करते हैं साउथ की तरफ और पैरेलल टू द कोस्ट रहते हैं, क्योंकि कोस्टल इलाके में ना ज्यादा सर्दी होती है, ठंड होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इलाका मैरीटाइम क्लाइमेट होता है. दीज आर मैरीटाइम जोन या मैरीटाइम क्लाइमेट बने होते हैं. यहां पर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज चलती रहती है, जिसके कारण से जो इलाका होता है वो ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी फील कर रहा होता है. द वेस्टर्न कोस्ट जो होते हैं वो वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट. इसके पीछे रीजन साफ है, क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्ट होता है वो काफी ज्यादा हाइट पे है, हाइट पे होने के कारण से इंसुलेशन इसको ज्यादा रिसीव होती है, एंड दैट इज व्हाई यहां पर हाई टेम्परेचर बना होता है. एंड ओनली अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन द कोस्टल एरिया ऑफ पेनिनसुला. जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, एंड पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन, क्योंकि यहां पर अगेन ट्रॉपिकल इलाका बना होता है, यहां पर टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा बना होता है. मीन टेम्परेचर अगर चेन्नई और थिरुवनंतपुरम केरला के बारे में बात करें तो देख सकते हैं 30-31 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, जबकि नॉर्थ में हम देख सकते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट चला जा रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है, इंसुलेशन नहीं मिल रही है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड सीजन इज द इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. आता कहां से है? मेडिटेरेनियन से. किधर के साइड में आ गया? ये आ जाता है आपके लगभग 4 to 6 मतलब बार आता है, और जनवरी दिसंबर से जनवरी के बीच में आता है. हालांकि बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ये डिले भी हो जाता है, मतलब मार्च में भी कई बार हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है. नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विंटर प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाई द डिप्रेशन दैट आर एसोसिएटेड विद वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस मूविंग आउट ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन. इसके कारण से प्रेसिपिटेशन हमें मिल जाती है, और ये प्रेसिपिटेशन रबी की क्रॉप के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इस तरीके से गेहूं की फसल उग जाती है. हालांकि कुछ स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अगेन ये उतना खास नहीं होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इसे. नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो गेट सम रेनफॉल ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन. जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, यहां पर भी थोड़ी मोड़ी बारिश देखने को मिल जा रही होती है. इस रेनफॉल के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है कि इस इलाके तक में अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिल जाता है, फिर साथ में इस इलाके में थोड़ी सी कम रेनफॉल देखने को मिलती है. सिमिलरली यहां पर अच्छा खासा रेनफॉल देखने को मिलता है, और इस इलाके में रिलेटिवली थोड़ी सी कम रेनफॉल देखने को मिल रही होती है. बाकी इलाका ये स्कैंटी रहता है, यहां पर कुछ खास होती नहीं है बारिश, और यहां पर भी थोड़ी मोड़ी बारिश देखने को मिल जाती है. और ये इलाका तो आपको पता ही है कि माउंटेनियस इलाका है, ये भी माउंटेनियस है, और जम्मू कश्मीर का भी इलाका भी माउंटेनियस इलाका है. तो कोल्ड सीजन के बारे में आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर रखे थे. अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हॉट वेदर सीजन के बारे में. क्या है हॉट वेदर सीजन?
जो हॉट वेदर सीजन है ये स्टार्ट होता है मिड मार्च से जून के बीच में। यहां पर रेनफॉल लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाती है, यहां पर रेनफॉल नहीं होती है, बल्कि ये इलाका अब पत्ते के गिरने का हो गया, मतलब यहां पर अब पतझड़ का मौसम आ जाता है। तो यहां पर हो क्या रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस वेल डिफाइंड हॉट वेदर सीजन विद अ नॉर्थवर्ड मार्च ऑफ सन टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसमें हो क्या रहा है, यह हमारा मान लेते हैं कि अर्थ है अगर, तो अर्थ जो साउथ में था अब वो ऊपर आना शुरू कर देता है और मार्च में ये आ जाती है इक्वेटर के पास में और इसी वजह से इक्विनॉक्स पोजीशन देखने को मिल जाती है एंड द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग। कहां का, नॉर्थ हेमिस्फीयर का। इस तरह से इंडिया का भी टेम्परेचर हमें देखने को ज्यादा मतलब नोट करना शुरू हो जाता है। थर्मल हीटिंग ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ग्रेजुअली एस्टैब्लिशेस अ थर्मल, दिस इज थर्मल एक्चुअली, थर्मल लो एट द सरफेस वाइल द जेट स्ट्रीम रिमेन्स साउथ ऑफ हिमालय। तो अभी भी जो हमारी जेट स्ट्रीम की एक ब्रांच टूट करके साउथ ऑफ हिमालय बह रही है वो अभी यहीं पर है, हालांकि अब धीरे 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 करके जब इलाका राजस्थान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका अब लो प्रेशर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा तो जेट स्ट्रीम अपने जो यूजुअल पोजीशन में चलती है उसी पोजीशन पे चली जाएगी, यानी कि अपने 45 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे चली जाएगी। इट मेंटेन्स इट्स डायनेमिक एंटी साइक्लोन अलॉफ्ट ओवर अफगानिस्तान एंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। दिस लिड ऑफ सबसाइडिंग वार्मिंग एयर प्रिवेंट द थर्मल सरफेस थर्मल लो फ्रॉम हैविंग सफिशियंट इफेक्ट एज लिफ्टिंग एजेंट टू द एयर अलॉफ्ट। ये सब चीजें तो खैर नॉर्मल सी है, कुछ खास इसमें बताने की नहीं है। बाकी देखिए आगे टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बात किया गया है कि मार्च के जैसे ही मार्च आता है वैसे ही टेम्परेचर जो होता है वो राइज करना शुरू हो जाता है। अप्रैल के दौरान में जो पेनिनसुलर एरिया है, पेनिनसुलर जो रीजन है विंध्यन के एरिया, यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा नियर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट किया जाता है। बाकी जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे इलाका जो भी है हमारा राजस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश पंजाब ये सारे इलाके जो होते हैं काफी ज्यादा टेम्परेचर नोट करना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट श्री गंगानगर राजस्थान में 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नोट किया गया था 1967 में। एट सम प्लेसेस पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया डे टेम्परेचर बढ़ करके 45 टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हाई होता है। द टेम्परेचर इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हिली रीजन ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मे इज जनरली कूल एंड इनवाइग्रेटिंग। नॉर्मल है, माउंटेन एरिया है तो ठंडा तो रहेगा ही रहेगा। बाकी अप्रैल के मंथ में ऑब्वियसली इलाका और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है और जो 30 डिग्री आइसोथर्म है वो बेसिकली 10 डिग्री नॉर्थ टू 26 डिग्री नॉर्थ इस इलाके में आना शुरू कर देती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इलाका अब काफी ज्यादा गर्मी काफी ज्यादा हॉट वेदर फेस करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ हाई इंसुलेशन। Being a traditional season between northeast to southwest monsoon, it is characterized by unstable air pressure and wind circulation. अब यहां पर अनस्टेबल एयर प्रेशर और विंड सर्कुलेशन इसलिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इलाका अब लो प्रेशर का हो गया है। लो प्रेशर के कारण से जो भी एयर ग्राउंड पे होगी बिकॉज ऑफ द इंसुलेशन एज वेल एज बिकॉज ऑफ एडवेक्शन, इस एडवेक्शन के कारण से अब ये राइज करना शुरू कर देंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी हल्की हो गई है और लेस डेंस होने के कारण ये राइज करेगा और राइज करने के कारण क्लाउडिंग स्टार्ट हो जाएगी और क्लाउडिंग के कारण से अब रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन द लो प्रेशर एरिया ऑल्सो मूव फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, इट फाइनली सेटल ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द एंड ऑफ मई एंड अर्ली पार्ट ऑफ जून। The pressure generally increase towards south in neighboring area, neighboring sea. The general direction of wind is from northwest and west in the northwest India. तो सारी चीजें आपको वही नॉर्मल सी चीज देखने को मिल जाएंगी कि अब आगे जाकर के लू और जितनी भी लोकल गर्म हवाएं होती है वो चलना शुरू हो जाएंगी, जैसे काल वैसाखी हो गई, नॉर्वेस्टर हो गई, लू हो गई, या इस तरीके से खामसिन वगैरह, मतलब खामसिन तो खैर यहाँ की नहीं है, अफ्रीका की है, लेकिन खैर इस तरीके की जो भी वार्म विंड्स हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। समर सीजन में और पोजीशन खराब होना शुरू हो जाती है, सन जो होती है वो और ज्यादा गर्मी करना शुरू कर देता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिर करके 30% पे चली जाती है और ये 30% ऑब्वियसली यहां पर काफी ज्यादा गर्मी का मौसम बना दे रहा होता है क्योंकि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है नहीं। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है कैसे पता चला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पता चला, क्योंकि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम रहेगी उतना ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहेगी।
तो द टोटल रेनफॉल ऑफ द सीजन इज बिलो 2 सेंटीमीटर इन बाकी जितने भी मतलब वेस्टर्न इलाके हो जाते हैं वहां पर रेनफॉल लगभग नहीं के बराबर है। थोड़ी मोड़ी रेनफॉल अगर होनी है तो हो जाती है बट एस सच रेनफॉल नहीं के बराबर होती है। बाकी 5 to 15 सेंटीमीटर ये हो जाती है आपके उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जो भी इलाका है यहां पर। बाकी 15 to 25 ये आ जाती है मालाबार कोस्ट में, 50 सेंटीमीटर आसाम मेघालय और इस इलाके में हो जाती है। तो धीरे 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 करके अब जो है रेनफॉल स्टार्ट हो रही होती है और रेनफॉल के कारण अब कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और मैंगो शावर, केरला में इस तरीके से जो पहली बारिश होती है प्री मानसून शावर होती है उनको हम लोग बोल देते हैं इस नामों से। ये लोकल नाम है और ये बेसिकली रखे गए हैं जो यहाँ की फ्रूट्स होती है उनके कारण से। फिर स्टार्ट होता है रेनी सीजन और इस तरीके से जब लो प्रेशर प्रॉपरली अच्छे से जनरेट हो जाता है सेंट्रल इंडिया में, तो इस सेंट्रल इंडिया के कारण से अब जो है आईटी सीजन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और इस आईटी सीजन का मूवमेंट बेसिकली जून से हमें, मई के एंड और जून से हमें देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से अब जो ये मॉनसूनल एक्टिविटी होती है साउथ वेस्ट जो मॉनसून होती है वो अब आना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से रेनफॉल हमें देखने मिल जाती है। तो लो प्रेशर डेवलप हो जाता है पंजाब और राजस्थान में, साउथवर्ड विंड ऑफ जेट स्ट्रीम वीक होकर के अब ये हिमालय क्रॉस करके अपने जो नॉर्मल पोजीशन होती है वहां पर चली जाती है। आईटी सीजन मूव कर जाती है और मूव करके इस तरीके से जो भी वेस्टर्लीज हैं वो वेस्टर्लीज क्या ईस्टर्लीज ही होती है जो बेसिकली अब राउंड ऑफ करके आ जाती हैं इंडिया में, साइक्लोन्स वगैरह जनरेट हो रहे होते हैं और ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो तिब्बत से जनरेट होती है वो अब स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को और ज्यादा अब पुश करना शुरू कर देती है कि वो अब आकर के साउथ वेस्ट मॉनसून के फॉर्मेट में रेनी सीजन इंडिया में स्टार्ट करा देता है। इन द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया द टेम्परेचर रीचेस इट्स मैक्सिमम इन जून टू ब्रेक द मॉनसून, एट प्लेसेस द टेम्परेचर टचेस 46 डिग्री, और बाकी ये सब टेम्परेचर दिया गया अलग अलग जगहों का, नॉट एज सच इंपॉर्टेंट, जब ये लिखा हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं है, आप इनको इनफैक्ट छोड़ भी सकते हैं, ये सब बेकार है। आगे बात करें तो जनरली इन द आफ्टरनून ऑफ स्कॉचिंग डे रेन बिगिन सडनली, क्यों ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट एक क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा मतलब जनरल लाइफ में कि जब भी आपको रेनफॉल देखने को मिलती है वो रात में ही मिलती है, दिन में नहीं मिलती है। जब भी मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं कह रहे हैं कि आज रेनफॉल होगी और हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा या जहां पर भी आप जाते हैं अगर इनकेस तो नहीं जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि रेनफॉल जो होती है वो रात में होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, दिन भर तो इंसुलेशन ये लिया है, इंसुलेशन लेने के कारण से इसके जो ह्यूमिडिटी होती है वो फिलहाल घटी हुई होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई होती है, क्योंकि हीट हुआ है, हीट के कारण से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो घट जाती है। लेकिन रात में टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है जिसके कारण से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, जिसके कारण से ये जो वैल्यू है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बढ़ने के कारण से अब वाटर होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से अब रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो रात के दौरान में टेम्परेचर गिर जाता है जिसके कारण से रेनफॉल शुरू हो जाती है। दिस इज नोन एज मॉनसूनल बर्स्ट। द अरेबियन सी करेंट एडवांसेस नॉर्थवर्ड बाय द 1st जून ऑफ केरला को, और इस तरीके से 10 जून तक ये मुंबई में आ जाती है, 15 जून तक नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, और जुलाई के दौरान में ये आ जाती है सेंट्रल इंडिया या फिर हमारे उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा इस रीजन में आ जा रही होती है। बाकी अगर आगे बात करें तो इसके बारे में तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, मॉनसूनल एरिया में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किस दौरान में कौन सी मॉनसून कहां पे पहुंचती है, कब बारिश कर रही होती है, क्या बारिश कर रही होती है, ऑल दैट। इसके अलावा आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ खास सच इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया रिसीव ओवर 85% ऑफ टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ जनरल रेन। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था ब्रेक इन मॉनसून। जो ब्रेक इन मॉनसून है बेसिकली वो यहीं पर है, जो 85% रेनफॉल हो रही है, जब ये 85% लेस देन 40% अगर होना शुरू होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन मॉनसून। क्यों होती है? क्योंकि इलाका ऑलरेडी मैंने बताया ही था आप लोग को कि एलिनो कंडीशन हो जाएगी या सदर्न ऑसिलेशन या फिर MJO कंडीशन या फिर साउथ चाइना सी में लो प्रेशर का जनरेट हो जाना, जिसके कारण से ये जो विंग होती है जो एक ब्रांच होती है वो चली जा रही होती है, अट्रैक्ट हो जाती है साउथ ईस्ट एशिया के साइड में और अल्टीमेटली यहां पर रेनफॉल नहीं कर पाती है। ओके, तो ये सब लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस ही कर रखा है। द अरेबियन सी करेंट कॉजेज रेनफॉल ऑल अलोंग द मलाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, वेस्टर्न घाट एंड ऑल दैट, इस एरिया में रेनफॉल करना शुरू कर देती है। एज द अरेबियन करेंट क्रॉसेज द सह्याद्री, मतलब कि ये जो हमारा साउथ इंडिया है ये सह्याद्री है, बीच में दो गैप आते हैं
ये आपकी टीबीपी मतलब कि ये थालघाट, भोरघाट और पालघाट। तो ये पालघाट है जो केरला कोस्ट पे पड़ती है, यहां से भी एक विंग निकलती है और अल्टीमेटली बालाघाट से भी एक रिंग निकल रही होती है और इस तरीके से इस इलाके में हल्की फुल्की रेनफॉल कर देती है। बाकी तो गुजरात के एरिया से निकलती है और अल्टीमेटली जाकर के जो दूसरी वाली ब्रांच है उससे मिल जा रही होती है और इस तरीके से रेनफॉल कर रही होती है। कहां पर? सेंट्रल इंडिया में। इस तरीके से जो भी ब्रांचेस बीच बीच में निकली है उसके कारण से कुछ कुछ इलाके में रेनफॉल होना शुरू हो जाता है, जैसे पुणे में हो जाती है, फिर इसके बाद नागपुर के एरिया में हो जाती है, थंजौर में हो जाती है। ये सब क्यों हुई है? क्योंकि यहां से एक ब्रांच अंदर के साइड में चली आई है बिकॉज ऑफ दीज पासेस। ठीक है। सब ब्रांच ऑफ अरेबियन सी करेंट विच मूव नॉर्थवर्ड थ्रू कच्छ, गुजरात एंड राजस्थान गिव लिटिल रेनफॉल टू दिस रीजन बिकॉज ऑफ द पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ अरावली। तो अरावली के एक साइड में ही रेनफॉल होती है, दूसरे साइड में वो अगेन लीवर्ड पोजीशन बनी होती है। तो इस इलाके में रेनफॉल करना शुरू कर दिया और ये इलाका लीवर्ड बना हुआ है, रेन शेडो बनी हुई है। द अरेबियन सी करेंट गोज स्ट्रेट अप टू द वेस्टर्न हिमालय वेयर इट गिव्स एप्रिशिएबल रेनफॉल इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से यहां पर रेनफॉल हो जाती है। बाकी नॉर्थ ईस्ट की जो एक ब्रांच जाती है वहां पर तो अच्छा खासा बारिश कर ही रही है, अराकान योमा से लेकर के मतलब कि म्यांमार कोस्ट से स्टार्ट कर रही होती है और जितने भी ईस्टर्न हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया, वहां पर रेनफॉल करने के बाद गंगा प्लेन में चली जाती है और वहां पर भी ये रेनफॉल कर रही होती है। ये इलाका काफी ज्यादा रेन फेड होता है, मतलब रेनफॉल यहाँ काफी ज्यादा होती है, जिसको आप देख सकते हैं कि मौसिनराम और चेरापूंजी में कितनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है। मेजर पार्ट ऑफ दिस रेनफॉल अकर इन द मॉर्निंग आवर्स। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगेन लोवेस्ट होता है। कहा जाता है कि जो टेम्परेचर सबसे कम नोट किया जाता है वो 3 बजे के बाद होता है और कह सकते हैं कि दीज आर अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो हियर ऑल्सो द लीवर साइड ऑफ मेघालय प्लेटू रिसीव लोअर रेनफॉल। अगेन लीवर साइड है तो रेनफॉल तो ऑब्वियसली बहुत ही कम देखने को मिलेगी। मूविंग वेस्टवर्ड बे ऑफ बंगाल करंट कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली और इस तरीके से चली जा रही होती है आगे की ओर में, जो लगातार मॉइस्चर कम होने के कारण से रेनफॉल कम होनी शुरू हो जाती है। द वेदर एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव ऑल्सो अफेक्टेड बाई अ नंबर ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में मिल रही होती है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा एम्फन बे ऑफ बंगाल में आया था और अरेबियन सी में इसी तरीके से यहां पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आई हुई थी। द अबाउट 20 to 25 सच डिप्रेशन डेवलप हो रहे होते हैं मॉनसूनल पीरियड के दौरान में और इस तरीके से हाई रेनफॉल, कह सकते हैं कि जो साइक्लोनिक आई होती है, साइक्लोनिक लैंडफॉल होती है, वो यहां पर कहां पर? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस इलाके में देखने को मिलती है और साथ में गुजरात, गुजरात के अलावा दमनदीव, पणजी और साथ में आपका जो मुंबई का इलाका है यहां पर भी हमें रेनफॉल देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। हालांकि जैसे 1999 में दिखाया हुआ है कि काफी तेज आई हुई थी, लेकिन खैर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1891 में एक रेनफॉल मतलब कि एक साइक्लोन आई थी जो कि अरेबियन सी में आई थी और काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग थी। उसके बाद से 2020 में नोट किया गया, हालांकि एरिया वैकेट करा दिया गया था जिसके कारण से कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। मोर देन 2 मिलियन आवर्स आर वॉश्ड अवे और ये सब चीजें तो खैर वहां की कंडीशन के बारे में बता रहा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन वेस्टर्न कॉस्ट, सह्याद्री, मेघालय, ये सब इलाके में रेनफॉल हो जाती है जो काफी ज्यादा होती है और बाकी अंदर जाने पर रेनफॉल रिलेटिवली कम होती जा रही होती है और ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। नाउ द नेक्स्ट सीजन कम्स विच इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। जो रिट्रीटिंग मॉनसून होता है बेसिकली वो होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और ये बेसिकली हो रहा होता है कब? जब रिट्रीट हो रही है। तो रिट्रीट होते हुए क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून बिगिन टू रिट्रीट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया थर्ड वीक ऑफ सेप्टेंबर एंड साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ सन। सन अब मूव करना वापस से शुरू कर दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास सितंबर के मंथ में जाते जाते ये इक्वेटर तक पहुंचता है और इस तरीके से जो पंजाब का इलाका है वहां पर अब मॉनसूनल रिट्रीट होना शुरू हो जाती है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी बर्स्ट ऑफ द मॉनसून थी उन सबके अलावा अलग अब एक स्टीडी और ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है। सदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम अब ये विंटर पोजिशन मतलब कि साउथ ऑफ हिमालय के साइड में आना शुरू हो जाता है, जो कंडीशन हम लोगों ने कोल्ड वेदर के दौरान में डिस्कस की थी वो बनना शुरू हो जाता है यहां पर। तो विद द एडवेंट ऑफ अक्टूबर लो प्रेशर एरिया ओवर द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज डिसिपेटेड, खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली लो प्रेशर सेल ये अब नॉर्थ पार्ट ऑफ बंगाल के साइड में बनना शुरू हो जाती है और इस तरीके से जो साउथ वाली ब्रांच है जो हमारे जेट स्ट्रीम की वो आनी शुरू हो जाती है और इस तरीके से ये रेनफॉल वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। बाकी हम लोग देख लें अगर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो हालांकि हम लोगों ने एक ओवरऑल फंक्शन तो देख लिया, ओवरऑल सिस्टम देख लिया,
फटाफट बस इसके थ्योरी को देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया मतलब रेनफॉल इन इंडिया इज हाईली अनइवन, क्योंकि कुछ इलाके में रेनफॉल हो रही होती है, नहीं हो रही होती है, साथ में कई सारी और भी एक्टिविटी होती है जो इस रेनफॉल को इंपैक्ट कर रही होती है, जैसे एल नीनो हो गया, लानीना हो गया, या फिर सदन ऑसिलेशन हो गई, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग एनसो भी बोलते हैं। इसके अलावा इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया, मैट जूलियन ऑसिलेशन हो गई, या फिर लो प्रेशर बन जाना साउथ चाइना सी में या फिर फिलीपींस के पास में, तो ये सारे ऐसे इलाके होते हैं, सारे ऐसे कंडीशंस होती है जिस दौरान में इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहे होते हैं, अनइवन बना रहे होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय नियरनेस ऑफ द सी एंड ओरोग्राफिक फीचर्स, द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट, प्लेटू ऑफ मेघालय, नॉर्थ ईस्ट हिल्स, हिमालयन माउंटेन, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड कर रहे होते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द रीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर इंडिया आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1200, जो कि 200 से भी कम हो जा रही होती है जब ब्रह्मपुत्र वैली और आगे के साइड में बढ़ रहे होते हैं। तो इन द पेनिनसुलर इंडिया हाईएस्ट रेनफॉल अकर अलोंग द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर जो साउथ वेस्ट मानसून होती है वो स्ट्राइक कर रही होती है, स्ट्राइक करने के कारण काफी ज्यादा रेनफॉल यहां पर कर रही होती है। गुजरात कोस्ट आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से जब ये सेंट्रल इंडिया में आती है तो रेनफॉल काफी ज्यादा कम हो जाती है। नाउ देन लास्ट नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल का मतलब है कि जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है हमारे पूरे इंडिया में, किस तरीके की वेरिएशन देखने को मिलती है। तो रेनफॉल इंडिया में काफी ज्यादा वेरिएबल है, उसके पीछे रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो मानसून होती है वो केवल और केवल प्रेशर के कारण से नहीं होती है, बल्कि यहां पर कुछ और भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली इस मॉनसून को इंपैक्ट कर रहे होते हैं, जिसके कारण से द एक्चुअल रेनफॉल ऑफ ए प्लेस इन ए ईयर डेविएट फ्रॉम एन एवरेज रेनफॉल बाय 10-60% तक ये रेनफॉल डेविएट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पोजिशन, मतलब कि अगर कहीं पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है तो ये 100 सेंटीमीटर कैन गो टू 10 सेंटीमीटर ऑल्सो एंड गो टू 160 सेंटीमीटर ऑल्सो, मतलब फ्लडिंग कंडीशन भी हो सकती है और साथ ही साथ सूखे की पोजीशन भी जा सकती है। तो इट मे बी नोटेड फ्रॉम दैट द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इज फाउंड इन एरिया वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लोएस्ट, जैसे कौन से इलाके, डेजर्ट के इलाके। कौन से डेजर्ट के इलाके हैं, राजस्थान का बाड़मेर हो गया, गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है और यहाँ पर वेरिएबिलिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो भी इलाके हमारे मौसिनराम चेरापूंजी के होते हैं ये तो काफी अच्छी रेनफॉल ले रहे होते हैं, काफी अच्छी रेनफॉल यहाँ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं और यूपी, झारखंड, बिहार इस इलाके में आते हैं, मध्य प्रदेश के इलाके में आते हैं, तो यहां पर भी वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा बनी हो जाती है, क्योंकि यहां पर भी अगेन ब्रेक इन द मॉनसून कंडीशन फेस की जा रही होती है। द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, लेसर हिमालय, शिवालिक एंड तराई बेल्ट रिकॉर्ड 100-200 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल, और इस तरीके से यहां पर भी हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बिकॉज आवर एग्रीकल्चर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन इंडियन मॉनसून। ऑल्दो गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ स्टेप्स टुवर्ड्स द इरिगेशन इंप्रूवमेंट, बट स्टिल आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसूनल एक्टिविटी। अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो जाती है। द एरियाज showing high variability of rainfall have chronic deficiency of water. Such regions are highly prone to drought, floods and famine, while the areas with high annual rainfall are less affected by drought, but they are affected by flooding condition. तो ये हम लोगों ने वेरिएबिलिटी के बारे में देखा। फटाफट इस वेरिएबिलिटी को जरा हम लोग मैप में देख लेते हैं कि वेरिएबिलिटी कैसी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी इस इलाके की होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर रेनफॉल लगभग लगभग नहीं के बराबर होता है। तो दीज आर हाईली प्रोन, ये इलाका हाईली प्रोन है। बाकी जो हिमालयन रीजन है और ये जो रीजन है यहां पर तो रेनफॉल हमें अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक मिल जाती है। तो दीज एरियाज आर नॉट एस सच बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती है, बट हाँ अफेक्शन तो यहां पर भी होती है, ये भी अफेक्टेड एरियाज में आ जा रहे होते हैं। तो ये दोनों जो एरियाज हैं ये लेस अफेक्टेड में आते हैं, दीज आर लेस अफेक्टेड एरियाज। बाकी अगर बात करें सेंट्रल इंडिया में तो ये सेंट्रल इंडिया में भी यहां पर जो पोजीशन है वो ठीक ठाक है, नॉट एज सच पुअर कंडीशन। तो वेरिएबिलिटी जरूर है
बट नॉट पुअर वेरिएबिलिटी. तो यहां पर वेरिएबिलिटी को बोल सकते हैं कि दीज आर वेरिएबिलिटी, यहां पर भी देखने को मिल जाती है. यहां पर भी इलाका जो होता है अगेन वेरिएबिलिटी, यहां पर भी ये जो कंडीशन है वो इस तरीके की कंडीशन है. यहां पर भी लेस अफेक्टेड पोजिशन पे आते हैं, इस लेस अफेक्टेड के चारों ओर. यहां पर भी अगेन ये वाली जो पोजीशन है ये वाली पोजीशन है. कौन सी? वेरिएबिलिटी वाली, वेरिएबिलिटी. बाकी जितना भी बचा हुआ पोर्शन है ये सारा पोजीशन हाईली वेरिएबल है. मतलब कि हाईली प्रोन तो ये है, ये हो जाती है पुअरली, पुअर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबिलिटी. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा मैप हम लोगों ने देखा वेरिएबिलिटी को लेकर के. तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा. अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्लाइमेट की जो नेमिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. जैसे कोपेन की क्लासिफिकेशन क्या है, थॉर्नवाइट की क्लासिफिकेशन क्या है, और आरएल सिंह ने किस तरीके से क्लासिफाई किया. तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये सारे सोर्सेज आप यूज कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.